हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था अपन ने, याद है कि नहीं? लिमिट्स में। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, मॉड्यूल आपकी स्टार्ट करा दी थी ना मैंने। हाँ, और बाकी फिर फॉर्मूले वगैरह भी बताए थे थोड़े, यस सर। यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक आपका कारोबार हो गया था। ठीक है, चलो। यस तो आपका थोड़ा सा वो इन्फिनिटी वाला भी बाकी पहले वो कवर करो। साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी हमने जानकारी ले ली थी, है ना? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज थी, मुझे एक बार बतानी थी आपको, एक सेकंड को। ये हमने पढ़ा था साइन एक्स अपॉन एक्स। अब सुनना बच्चों, एक ध्यान से, एक मिसकंसेप्शन शायद आपको हो जाए या फिर मैंने बताया था लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन होता जनरली, सुनना अच्छे से। लिमिट का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हमने स्टार्टिंग में, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या सिखाया था, हम जब ये लिखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, इससे कि आप ये इंटरप्रेट करते हो कि अगर एक्स की वैल्यू ए की तरफ अप्रोच करेगी, है ना, अगर x की वैल्यू x अप्रोचिंग a अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी तो ये वन क्या वन वन की तरफ क्या होगा, वन के लिए क्या बोलेंगे, बोलो तो क्या बोलते थे आप, अगर x वन की तरफ अप्रोच करे, x a की तरफ अप्रोच करेगा तो जो फंक्शन है वो वन की तरह अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा, है ना, फंक्शन वन की तरह अप्रोच करता है, क्लियर है ना। लेकिन इस अगर इस फंक्शन पे लिमिट लगा दूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो इस पूरी लिमिट की वैल्यू तो कितनी आएगी, वन के बराबर। ये मत बोल देना कि लिमिट की वैल्यू वन की तरफ, ये इस पूरे लिमिट का आंसर तो किसके बराबर आएगा, वन के बराबर, है ना, क्योंकि हमने लिमिट लगा दी, लिमिट लगा के सॉल्व करूंगा तो आंसर किसके बराबर आ रहा है, वन, क्योंकि लिमिट लगी हुई है। लेकिन हम अप्रोचिंग किसको बोलते हैं, फंक्शन को, एफ एक्स अप्रोचिंग, मान लो ये जो भी यहाँ पे एल आ गया, तो एल, क्लियर है, तो ये दिमाग में रखना। इसका मतलब कि अगर एक्स ए की तरह अप्रोच करे तो फंक्शन आपका एल की तरह अप्रोच करता है, तो लेकिन पूरी लिमिट की वैल्यू तो किसके बराबर है, एल की बराबर है, क्लियर है यहाँ तक, बोलो। यस सर। ठीक है, तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ये वाली चीजें, तो यहां से हमने क्या इंटरप्रिट किया था कि ये जो फॉर्मूला है साइन के केस में, एक्स जब जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, एक्स जब जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स अपॉन एक्स है ना। यस सर। तो साइन एक्स अपॉन एक्स किसकी तरफ अप्रोच करेगा, वन की तरफ, वन की तरफ, वन की तरफ, है ना। अब ये वन की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वन की तरफ अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, या तो वन प्लस या तो वन माइनस, याद आ रहा है? यस सर। तो कौन सा वाला होगा, प्लस वाला के माइनस वाला, माइनस वाला होगा, माइनस वाला होगा। पिछली बार बताया था मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स में साइन छोटा होता है, एक्स थोड़ा सा बड़ा होता है जीरो के आसपास, तो कौन सा होगा, नेगेटिव, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स वन की तरह अप्रोच करता है, वन माइनस, लेकिन इस पूरे पूरे लिमिट की वैल्यू तो वन के बराबर है। यस सर। हाँ, सेम यहाँ पे भी इस वाले फॉर्मूले में एक्स अगर जीरो की तरह अप्रोच करेगा तो टेन एक्स अपॉन एक्स किसकी तरह अप्रोच करेगा, प्लस वन की तरह, वन, और वन कौन सा वाला, थोड़ा सा वन एक्स्ट्रा वाला, वन प्लस वाला, है ना। यस सर।
फिर इस पे हमने आपको दो तीन चीजें बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, तो आप उसका मुझे वापस आंसर करो ध्यान से सोच समझ के। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इन चारों के आंसर बताओ टेन एक्स अपॉन एक्स का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर पहले वाले का जीरो, साइन एक्स का वन, तीसरे का जीरो, फिर दूसरे चौथे का वन। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स जीरो की तरह अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, वन की तरह अप्रोच करेगी, अंदर वाली वैल्यू वन की तरफ क्या करेगी, अप्रोच करेगी, लेकिन एग्जैक्टली वन के बराबर है क्या? नो सर नहीं। और वन की तरफ कैसे अप्रोच करेगी, वन माइनस से? यस सर। तो ये वैल्यू आएगी 0.999 समथिंग। यस सर। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो। वेरी गुड। सेकंड केस में वापिस से एक्स जब जीरो की तरफ, तो अंदर वाला फंक्शन जो है, अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, वन की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन वन से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1.000001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब थर्ड केस में बताओ, जब पूरे लिमिट जो होगा, अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पूरे पे लगा है, तो ये जो लिमिट लगने के बाद इस पूरे का आंसर क्या होगा, जीरो। हाँ, इक्वल टू वन ना, ये समझा रहा था। हाँ, ये इक्वल टू वन होगा ना, ये देखो ध्यान से, आंसर क्या है, वन के बराबर, क्योंकि लिमिट अप्लाई हो गई है, फंक्शन वन की तरह अप्रोच कर रहे, लेकिन पूरी लिमिट का आंसर को बनाएगा, यस सर। और उस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, वन है ना, क्योंकि वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वन। अब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होने के बाद इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट के साथ, वन, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस कितना हो जाएगा, वन। तो दोनों में अंतर क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, क्या ये वाला, अगर एक्स ए की तरफ अप्रोच करता है तो फंक्शन की वैल्यू एल की तरफ अप्रोच करती है, लेकिन पूरा आंसर तो लिमिट आपके एक्स के बराबर आता है, इक्वल टू एल। क्या बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली क्लास में, ये लॉग वाले फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने आपको। यस सर। यस सर। और लॉग के क्वेश्चन में हमने आई थिंक ये सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। अब वन के पार इन्फिनिटी करना था, है ना, बाकी था ये कि हो गया था, बाकी था, बाकी था। आपको पता होना चाहिए क्या बाकी क्या नहीं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कराता हूँ। इसको मैं अपने तरीके से सिखाता हूँ, इनका बुक का रिजल्ट अलग है, अगर ये वन एग्जैक्ट वन हुआ तो वन को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, ये वन की पावर इंडिटरमिनेट फॉर्म में, ये क्या अप्रोचिंग वन, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, ये अप्रोचिंग वन है, तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। यस सर। ठीक है, तो ये वन एग्जैक्ट वन नहीं है, ये क्या वन की तरह अप्रोच कर रहा है, अगर एग्जैक्ट वन होता तो वन को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वन ही आना चाहिए ना। यस सर। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बना, तभी तो बना, ये अप्रोचिंग वन है, ठीक है, कौन सा वाला वन है, अप्रोचिंग वन। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप कहेंगे, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, और उस पूरे के पावर है जी एक्स, क्लियर है, और एक्स को ए अपने एक्स को एक्स ए की तरफ अगर अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन एफ एक्स जो है नीचे वाला वो वन की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जी एक्स मान लो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच, इस लिमिट का आंसर मान लो एल है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन की पावर इन्फिनिटी वाले, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ लॉग लो, लॉग लेने के बाद ई को उधर भेज दो,
जैसे इको उधर भेजोगे तो आपका क्वेश्चन फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब इसको पूरे को आपको जब भी वन की पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन आता है इसको कन्वर्ट कर देना अगली स्टेप में एल इक्वल टू ई की पावर। तो जब भी बस ये याद रख लेना फॉर्मूला डायरेक्ट, वन की पावर इन्फिनिटी वाला जब भी क्वेश्चन आए, वन की पावर इन्फिनिटी वाला जब भी क्वेश्चन आए उसको आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे, ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये जो एफ एक्स है जो वन की तरफ जा रहा है उसमें से वन माइनस कर देना, और gx से क्या कर देना मल्टीप्लाई, जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है gx से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला याद कर लो, fx जो 1 की तरफ जा रहा है fx माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय gx मल्टीप्लाई बाय g, fx कौन सा फंक्शन है जो 1 की तरफ जा रहा है उसमें से 1 माइनस कर देना और gx से मल्टीप्लाई कर देना और ये सब चल जाएगा e की पावर में, तो ये भी सेम आंसर आपका l ही आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करने से क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, फिर ये वाला तरीका कब अप्लाई करना है, जब भी क्वेश्चन आपका वन की पावर इन्फिनिटी वाला हो, कौन सा टाइप का क्वेश्चन हो वन की पावर इन्फिनिटी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना, ई की पावर सर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। अब इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो प्रूफ के लिए आपको अभी ध्यान देना है, अगर प्रूफ अगर किसी को चाहिए तो मुझे अलग से मैसेज कर देना, मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, इसमें किसी को डाउट हो तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे एक्स को आप जीरो रखोगे तो बताओ कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, जीरो रखने पर यहाँ पे क्या बनेगा, टू बाई टू मतलब वन है ना, वन की पावर इंफिनिटी। ये कौन सा फॉर्मेट, क्या है वन की पावर इन्फिनिटी, एक्स को जीरो रखो, देखो ध्यान से, एक्स जब जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वन की तरफ अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, नहीं करेगा, बोलो, आया ना? यस सर। तो बताओ यहाँ पे एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, वन रेस टू पावर इन्फिनिटी का मतलब ये 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2। हां ये एफ एक्स हो गया, और जी एक्स कौन सा जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला एक बार बहुत बताओ मुझे क्या था, f of x minus 1 into g of x into gx। अप्लाई करो आंसर निकालो। कर रहे हैं और एलसीएम वगैरह लो। सर वन अपॉन ई स्क्वायर आ रहा है, वन अपॉन ई स्क्वायर, अच्छा वेरी गुड। यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा,
एलसीएम ले लोगे तो ये कैलकुलेशन करना आती है ना, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा पूरा, है ना? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे मैं अब इधर लिख रहा हूं मैं ऊपर, क्या बचेगा e की पावर में, यहाँ पे क्या बच जाएगा ऊपर, टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस यस सर। ऑफ 4x² अपॉन 7x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x². देखो जो जिससे 0/0 बन रहा था x के कारण, ये x² ही कैंसिल हो जाएगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। अब आप x को जीरो रख यस दोगे, है ना? वेरी गुड। तो x को जीरो रखने पे ये 7x² पूरा जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ऑफ 4/2 मतलब e की पावर माइनस 2। ठीक है, एक्स को जीरो रखोगे तो इंडिया में फॉर्म हट जाएगा, तो बनेगा 1/E². आया समझ में? यस सर। किसी को डाउट तो पूछ लो एनीवन। हाँ सर -4/2 के बाद की कैसे ऊपर? यहाँ पे मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे एक्स को जीरो रख दिया, पहले तो x² कट गया, एक्स को जीरो रखा तो ये पूरा जीरो बन गया, सर माइनस यहाँ तक तो सॉल्व हो गया था e की पावर माइनस 4/2 तक। 4/2, e की पावर -4/2, e क्या बचेगा, e की पावर -2 बचेगा, 2 1 2 2 2 4। यस सर। यस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, 1/e². सर। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी को कोई स्टेप में? और यहाँ पे क्या करा मैंने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेंगे, ये माइनस टाइम्स ब्रैकेट ऑफ 7x² प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बच जाएगा। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट पूछो, नो सर। पूछो जल्दी। नो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिट्स यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन की मदद से कैसे लिमिट्स को सॉल्व करना है, तो उसके लिए अब कभी कभी क्या होगा ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला, टेन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला, या फिर एल हॉस्पिटल भी अप्लाई करने में दिक्कत आ रही होगी कहीं ना कहीं। कभी कभी ज्यादा अननोन वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे भी हो सकता है सॉल्व ना हो, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सीरीज एक्सपेंशन बहुत सी बार काम आ जाता है। तो ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है जो जनरली बहुत काम आता है। इसके लिए आपके पास ये जो फंक्शन है इनके जो सीरीज, इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये याद होना चाहिए। और उसमें भी शुरू के बस तीन टर्म पता होने चाहिए, ज्यादा नहीं, शुरू की ये तीन टर्म से ही काम हो जाता है, आगे की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है? आगे सारा वो अपने आप जीरो हो जाता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ही रहता है, तो आगे की टर्म अपने आप क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपको बस ये शुरू की तीन टर्म याद रखनी। अच्छा, ये एक्सपेंशन कैसे आया, अगेन उसकी थ्योरी टेलर एंड मैकलॉरिन सीरीज से आती है, जो कि आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तब आपको पता चलेगा कि साइन को ऐसा क्यों लिख पाते हैं, कॉस को ऐसा क्यों लिखते हैं, टेन को ऐसा क्यों लिखते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हमारे अभी जो जेई के हिसाब से बस ये काम है, ये वाला एक्सपेंशन। अच्छा, ये जरूरी इस चैप्टर में नहीं, आगे और भी चैप्टर में ये सब काम आता है, एक दो चैप्टर और है जहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन आपका यूज हो सकता है, उसके लिए आपको इनको याद रखना है। जल्दी से कॉपी में लिख लो और लिखते लिखते याद करने की कोशिश करो, जल्दी से लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। याद रखने के तरीके में भी ऐसे सोच सकते हो, साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बाद, यहाँ पे देखो साइन के केस में सारी ऑड पावर आ रही है और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चले, कॉस इवन फंक्शन होता है तो कॉस के केस में इवन पावर आती है और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, टेन तो ऐसे नॉर्मली याद रखना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो सारी प्लस की टर्म और हर तरह की पावर, वन से स्टार्ट होगा और सारी प्लस वाली टर्म, लॉग के केस में अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, फैक्टोरियल नहीं आता, बस ये ध्यान रखना। तो ये याद कर लो, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, सब क्लियर है? यस सर। अब इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, देखो क्वेश्चंस कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, उसके लिए आपको सीरीज के शुरू की तीन टर्म याद होनी चाहिए। जल्दी लिख लो, लिखना हो जाए तो बता देना।
डन सर। ओके लिख लिया सबने, याद भी कर लेना। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब सुनना ध्यान से एक बार। एक जनरली जब मान लो सीरीज एक्सपेंशन नहीं, तो आपके दिमाग में पहला क्या आएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ वन प्लस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ln ऑफ वन प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है इसको हम क्या लिखते हैं, वन लिखते। यस सर। एफ एक्स किसकी तरफ जाना चाहिए, जीरो की तरफ, याद आ रहा है? यस सर। तो हम क्या जनरली पहले पहले दिमाग में क्या था, एक काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे 2h है ना, तो 2h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे h से मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक इधर 2h बच जाएगा, इधर भी 2h बच जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। तो पहले भी 0/0 फॉर्म था, अभी भी क्या है 0/0 फॉर्म, अप्रोचिंग 0/0 ही है ना अभी भी। यस सर। बोलो। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, वो तो 0/0 ही है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, समझ पा रहे हैं? यस सर। यहीं पे अटक जाएगा अपना क्वेश्चन, तो ऐसा होगा आपके साथ मॉड्यूल में भी, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा कि सेम टाइप के टर्म क्रिएट हो रहे हैं माइनस माइनस में, तो आगे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, एक बार सीरीज एक्सपेंशन से ट्राई करते हैं। तो आप सब लोग सीरीज एक्सपेंशन से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ज्यादा नहीं, शुरू की 3 टर्म में ही काम हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी विल सॉल्व यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। करो ट्राई, फिर हाईएस्ट पावर वगैरह जो भी कॉमन वॉमन टर्म्स, लोवेस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल आउट करके देखना क्या हो रहा है। तो पहले पहले वाले में क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, x मतलब 2h माइनस 2h, हाँ 4h स्क्वायर बाई टू है ना, सही है? यस सर। 8h सर। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे भी लिख दो शुरू की 3 टर्म। आगे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाकी सब जीरो ही हो जाएगी। ओके अब देखो नीचे क्या एच स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर से भी कोशिश करना एच स्क्वायर कॉमन निकालने की, ताकि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। देखो यहाँ पे 2h और ये माइनस का 2h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 2h स्क्वायर, कैलकुलेशन देख लेना ना, यहाँ पे क्या बचेगा 8h क्यूब बाई थ्री, फिर यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा 2 कैंसिल, प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h क्यूब बाई थ्री होल डिवाइड बाई h स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। देखो इसमें और भी टर्म्स होगी, लेकिन सब h की हायर पावर, उनसे मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो होगा क्या, अब अगर मान लो h स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करूंगा या फिर h स्क्वायर ऊपर से कॉमन लूंगा, देखो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा ऊपर माइनस का एच स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा 6h क्यूब बाई थ्री मतलब 2h क्यूब, सही है? यस सर। अब एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस 2h एंड सो ऑन, आगे सब टर्म में एच आएगा, आगे सारी टर्म में कम से कम एक एच आएगा कि नहीं आएगा, है ना? क्योंकि h की हायर पावर होगी, नीचे से कैंसिल होगी, तो एक एक h आगे बनता जाएगा, h स्क्वायर का टर्म आएगा, h क्यूब का टर्म आएगा, लेकिन सारी की सारी, अब h जीरो जा रहा है तो सारी की सारी सब क्या हो जाएगी, जीरो जीरो, सिर्फ क्या बचेगा माइनस वन, क्या बचेगा माइनस वन, आया समझ में कि नहीं? एक बार देख लो ध्यान से, किसी को कोई स्टेटमेंट आओ तो पूछ लो।
इसलिए हम जनरली आगे की टर्म्स नहीं लिखते, शुरू की दो तीन टर्म में ही काम हो जाता है, उसी को बस लिख के आप सॉल्व कर लेना पूरा क्वेश्चन। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक और ट्राई करो, चलो इसको भी ट्राई करो सीरीज एक्सपेंशन से प्रॉपरली। अच्छा, इसमें आप एक चीज और क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये कर सकते हो, ऊपर तो चलो ठीक है x cos x minus sin x है, यहाँ पे x square है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो चाहो तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। यस सर। इससे क्या होगा कि भाई इतना पार्ट तो ये वन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हायर पावर कितनी बचेगी, x क्यूब बच जाएगी है ना, अब ऊपर भले आप एक्सपेंशन वगैरह यूज कर लो, नीचे एक एक्स क्यूब बच जाएगा, अब थोड़ा क्वेश्चन और आसान निकल, नी भी करते तो भी काम हो जाता, क्लियर है? तो भी आप क्या करते, फिर एक्स कॉमन निकालते, एक्स क्यूब को डिवाइड करते ऊपर नीचे, तो काम हो जाता। करो कोई डाउट तो पूछ लो। दो से काम हो जाएगा, एक्स क्यूब तक क्रिएट करना है। वापिस यहां पे ये एक्स यहां पे जाएगा, तो ये वाला एक्स और इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा है ना, क्या बचेगा आपके पास, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई टू, टू फैक्टोरियल टू होता है, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब, पूरे में से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स, कितना आएगा ये, माइनस का थ्री प्लस का वन माइनस टू बाई सिक्स माइनस वन बाई थ्री है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो ये सीरीज एक्सपेंशन से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखो ये फॉर्मेट तो जीरो बाई जीरो का था, एल हॉस्पिटल भी अगर लगा था थोड़ा लेंदी जाता क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करने में क्या था थोड़ा लेंदी हो जाता, इसको सीरीज एक्सपेंशन से हमने दो तीन लाइन में सॉल्व कर लिया और आसानी से सॉल्व हो गया है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, घर पे ट्राई करना। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, यहाँ पे एबीसी निकालना है, तो यहाँ पे वापिस सीरीज एक्सपेंशन से कोशिश करो इसको, सबका सीरीज एक्सपेंशन लिखो शुरू। अच्छा यहाँ पे भी वही करते सबसे पहले ताकि थोड़ा आसान दिखे है ना, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, बोलो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका नीचे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर में, आपको दिखने में आसानी दिखे। समझ में आ रहा है नीचे क्या किया मैंने, बोलो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया sin x अपॉन x, x जीरो की तरह जो वन हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर, सॉल्व करो और फिर लॉजिक लगा के बताना एबीसी क्या आएगा। यहाँ पे एक्सपेंशन पुट अप करो, e की पावर x का एक्सपेंशन बताओ क्या था, बताओ हाँ, सारी टर्म आएगी पॉजिटिव, सही है हाँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, हाँ वेरी गुड, वन प्लस आगे की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर तक का ही काम हो जाएगा मेरा, कॉस में ई की पावर माइनस एक्स में, बस यहाँ पे जहां जहां भी एक्स उसकी जगह माइनस एक्स आ जाता है, आप चाहो तो एक टर्म और एक्स्ट्रा लिखने तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि एक्स क्यूब भी लिखोगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, एक्स बचेगा सब जीरो बना देगा है ना। यस सर। शुरू की दो टर्म में नीचे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है,
अब देखो अब कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेते, कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं आया ना, नहीं नहीं यहाँ पे एक्स भी तो आएगा बच्चों, है ना, एक गड़बड़ लिख दिया मैंने, सही है। बोलो एक्सपोनेंशियल में सारी पावर आती है ना, है ना, ठीक है ध्यान रखना। अब यहाँ पे सेम टाइप की पावर को अलग अलग करते हैं, कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए माइनस का बी प्लस का सी, एक्स के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक्स ए एक्स, यहाँ पे आएगा सी एक्स माइनस का सी एक्स, तो ये एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल ए के साथ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए बाय टू फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी बाय टू फैक्टोरियल, यहाँ पे भी सी बाय टू फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर के साथ आएगा। अब जब एक्स स्क्वायर को अलग अलग करोगे, अच्छा क्वेश्चन में इसका आंसर किसके बराबर दिया, फाइनाइट दिया टू के बराबर, एक्स स्क्वायर जब अलग अलग होगा तो ए माइनस बी प्लस सी, अब मुझे बताओ ये आंसर टू फाइनाइट कब आ सकता है, अब ये एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ, अगर एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर एक ऊपर एक नंबर नीचे जीरो की तरफ, यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ है ना, यस सर, तो अगर इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है और डिनोमिनेटर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर में कुछ हो रहा है तो, अगर इसको फाइनाइट आना है तो इसको पूरे को जीरो होना पड़ेगा, एग्जैक्ट जीरो, उसके लिए न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली जीरो, और इधर भी न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली जीरो, ताकि ये टर्म जीरो में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज जीरो के अलावा कुछ और भी बनाना, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी बना और नीचे अगर जीरो की तरफ अप्रोच करा तो आंसर किसकी तरफ चल जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, और आंसर अगर फाइनाइट लाना है तो इसके ये जो कोएफिशिएंट है इनको एग्जैक्टली जीरो होना पड़ेगा, क्या बात समझ में आ रही है, यस सर, मतलब ये ए माइनस बी प्लस सी को एग्जैक्टली जीरो होना पड़ेगा तभी आंसर फाइनाइट आएगा, अदरवाइज मान लो कुछ और हो गया जीरो नहीं हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये भी जीरो होना पड़ेगा, ए माइनस सी को भी क्या होना पड़ेगा एग्जैक्ट जीरो, ताकि अगर ये जीरो फिर बच्चे हुआ टर्म को इक्वेट कर दोगे टू के साथ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू टू, अब आपके तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, क्या यहाँ से ए बी सी आ जाएगा सर, आ जाएगा, है ना, तो देखो ये क्वेश्चन जहां पे तीन अननोन थे उसको हमने सीरीज एक्सपेंशन की मदद से कैसे तीन इक्वेशन बने, आई बात समझ में, डिफरेंशिएशन करके अगर करते तो हो सकता नहीं हो पाता या फिर हो सकता हो भी जाता, लेकिन ज्यादा आसान इस तरीके से तक इसमें क्लैरिटी दिख ही जाता, एक बार ध्यान से सारी स्टेप्स को देख लो, कोई बात नहीं समझ में तो वापिस पूछो। क्लियर है सर, सबको पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है, यस सर, वेरी गुड, तो ये एक वैरायटी थी, है ना, अब अगली वैरायटी आती है, देखो ये अपने वन की पावर इंफिनिटी सॉल्व कर लिया, है ना, इसके बाद अगली वैरायटी आती है आपकी जीरो इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर जीरो और जीरो की पावर जीरो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हेडिंग डालो लिमिट ऑफ द फॉर्म जीरो इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी के पावर जीरो या जीरो की पावर जीरो, लिमिट ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हमको सीखना है, जहां पे जीरो इंटू इंफिनिटी आए, इंफिनिटी की पावर जीरो आ जाए या जीरो की पावर जीरो आ जाए, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखो जीरो इंटू कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन आए या फिर वन की पावर इन्फिनिटी वाला भी जो आया था, हमने क्या किया था, कोशिश किया था इसको कन्वर्ट करना, वी ट्राई टू कन्वर्ट इस टाइप के क्वेश्चन को, ट्राई टू कन्वर्ट किसमें, इनटू ई की पावर, हाँ मतलब कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म की अगर बात करूं तो जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान है, उसकी मेथड मैंने सीख रखे हैं, हाँ है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं
उसको हम इस जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो जीरो की तरह इसमें एफ एक्स बाई जी एक्स टर्म्स क्रिएट कर देना, जो बेसिकली मान लो ये एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, एक जीरो की तरफ जा रहा है दूसरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ट्राई करना इसको ट्राई टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। अभी क्वेश्चन करूंगा मैं, और जब ये वाले क्वेश्चन आए, जब पावर में हो चीजें, जब भी पावर में चीजें हो तो क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, लिमिट के दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। जैसे आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स मान लो जीरो की तरफ जा रहा है, जी एक्स भी जीरो की तरफ जा रहा है, या फिर एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जी एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मेट है, तो आप क्या करो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो दोनों तरफ अगर लॉग लोगे तो जगह लॉग एल हो जाएगा, और इधर क्या होगा, लॉग ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब ये लॉग के आगे आ जाता पावर, लॉग के केस में yes. तो पावर आगे आ जाती है, ये क्वेश्चन yes. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एफ एक्स, जी एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एफ एक्स। अब देखो ध्यान से, ये मान लो पहले इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, ये मान लो पहले जीरो की तरफ जा रहा होगा, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू इन्फिनिटी, जो पहला वाला फॉर्मेट था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, लॉग लेके फिर वापस से वही सॉल्व होगा, उसको वापस जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट करोगे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये वाला फॉर्मेट हो, तो क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करोगे, और इस अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करना ताकि जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए। आया ना? यस सर। ये कॉन्सेप्ट है, अब इसको अप्लाई करते क्वेश्चंस में। ये चार क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार आप खुद से ट्राई करो, मुझे बस पहले वाले में बता दो, यहाँ पे टेन एक्स इंटू, चलो करो करो ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ, एक बार ट्राई करो, हो पा रहा है कि नहीं फिर मैं सिखाता हूँ, डरना मत, मैं सिखा दूंगा, जैसे मैं समझूंगा समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार आप खुद से ट्राई करो फिर मैं सिखाता हूँ। पहली अटेम्प्ट क्या? यस सर। तुमने किया कि वो टाइम लेना है? सर पता नहीं चल रहा कुछ। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा सा पहली बार भी नहीं आता है, मैं सिखाऊंगा तो आपको आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक मिनट ना।
चलो सीखो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग साइन एक्स, है ना। तो अगर एक्स को जीरो रखेंगे तो जो टेन है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ, है ना। एक्स को जीरो रखने पे टेन जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, साइन भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और लॉग के अंदर अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो पूरा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने कहा था जब भी जीरो इंटू इन्फिनिटी आए इसको ट्राई करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ताकि एफ एक्स बाई मतलब बेसिकली जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, है ना। अब देखो लॉग को तो मैं फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता, क्या टेन को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ उल्टा करके, टेन को क्या लिख सकते हो, वन बाय कोट, वन बाय कोट, टेन एक्स को वन बाय कोट एक्स लिख सकते हैं बच्चों, है ना। आप देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा, टेन को अगर मैं वन बाय कोट लिख दूंगा तो वापिस से अब देखो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, न्यूमरेटर तो वही इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, और कॉट के केस में भी अगर एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करता है कॉट भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। यस सर। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा तरीका सीखा है, क्या एल हॉस्पिटल लग सकता है, यस सर, है ना। तो इसमें अगर मैं एल हॉस्पिटल लगा दूंगा, एल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करो नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करो, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन मतलब log sin x, तो log sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले log का करेंगे तो 1 by sin, वेरी गुड, और sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos, cos x, ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया, और डिनोमिनेटर में cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x, याद है, यस सर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 वन बाय, देखो पूरा साइन कॉस में कर लिख दें, वन बाय साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस, और कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, ऊपर जाके साइन स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, नीचे कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू कॉसेक माइनस का, यस सर। अब एक्स को जीरो रखोगे तो साइन एक्स जीरो की तरफ जाएगा, cos x 1 की तरफ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये फर्स्ट पार्ट, जीरो, क्या समझ में आया, यस सर। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या सिखा रहा हूं मैं, कि अगर जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दे, क्यों, ताकि हम एल हॉस्पिटल लगा सके, है ना, यस सर। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है, पूछ लो anyone, कोई भी स्टेटमेंट डाउट हो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कोई बात नहीं, आगे क्या, ठीक है, डन है, एक सेकंड थोड़े और क्वेश्चन थे, एक सेकंड आगे लिखते हूं, हां अब अगला पार्ट बताओ, x into 10 log x, सर ये 0 / 0 में हो जाएगा कन्वर्ट, हां। अब देखो यहां पे अगेन देखो ध्यान से क्या है, कौन सा फॉर्मेट, जीरो की तरफ जाएगा तो एक्स तो जीरो की तरफ जाएगा, और लॉग के अंदर जीरो की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी, क्या जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, यस सर। अब इसको वापस मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट करना तो क्या करूं बताओ, किसको नीचे ले जाऊं, सर एक्स इंटू में रहेगा और लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, नहीं नहीं लॉग लॉग एक्स को 1 बाय एक्स थोड़ी लिखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय, तो डिफरेंशिएट अभी थोड़ी कर पाऊंगा, तो एल हॉस्पिटल लगूंगा तब, अभी तो मुझे इसको बस दूसरे फॉर्मेट में लिखना है, जैसे पिछली बार 10 को 1 बाय cot लिख सकता हूं, वो तो उसका फॉर्म है, यहां पे क्या करें, यहां पे कैसे फ्रैक्शन क्रिएट करें, सर x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, हां ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फिर ऊपर आप कर सकते हो वैसे तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ऊपर जीरो इंटू इन्फिनिटी और नीचे क्या है जीरो की तरफ जा रहा है, तो मेरा दिक्कत ये आ जाएगी, यस सर। एक चीज और कर सकते हो, तो सोचो थोड़ा ध्यान से, और देखो लॉक को तो नीचे नहीं ले जा सकते, लॉक को मैं तो कुछ भी कन्वर्जन नहीं हो सकता, लेकिन एक्स को तो नीचे भेज सकता हूं मैं, एक्स नीचे कैसे भेजेंगे, 1 बाय एक्स, यस सर,
देखो ध्यान से, देखो लॉग को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लॉग का तो रेसिप्रोकल वगैरह नहीं लिख सकते, लेकिन एक्स को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में जाके 1/x लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करके तो यही तो आएगा। यस सर, सबको ऊपर जो एक्स था उसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड में जाके 1/x लिख दिया, ये वापस यही तो बनेगा है ना। यस सर, अब देखो ध्यान से, अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया, सर हो गया, हो गया। अब एल हॉस्पिटल लगा दो, एल लॉपिटल, इसको इसका लॉपिटल बोलते हैं, इसको एल लॉपिटल लो, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -x^(-2). हाँ देखो, y अगर x की पर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 आ गया जाता है, पावर में एक सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो -1 x^(-2) मतलब -1/x^2 है ना, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x^2, क्लियर है? यस सर। यहाँ पे देखो, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/-1/x, ये नीचे चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, एक्स आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। आया कि नहीं समझ में? यस देखो दोनों ही क्वेश्चन में क्या किया, समझ में आया? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी टेन को लिखा 1/cot और कोशिश करा कन्वर्ट करना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, इस वाले में भी एक्स को लिखा जाके 1/x और कन्वर्ट करा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, क्या दोनों ही समझ में आए कि नहीं बताओ? और फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के बाद एल हॉस्पिटल लगा दिया, आया ना? बोलो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे क्या? जवाब दो, नहीं आ रहा समझ में क्या? कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मेट था, इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मेट बताया था जिसमें आपको क्या करना है, अगर पावर में हो तो लॉग ले लेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जीरो की पावर क्या जा रहा है, जीरो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसको पहले एल मान लो, इस लिमिट को क्या मान लो, एल। अब दोनों तरफ बच्चों लॉग लेके सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा, करो ट्राई, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो और देखो कितना आएगा आंसर। पर हम लॉग एल का क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो तो लॉग एल को फिर इको उधर भेज देना, अपन को तो एल निकल जाएगा ना, लॉग एल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो अपन एल आ जाएगा ना वहां से। मान लो आपको मैं बोलता हूँ log l आ रहा है, मान लो 2, तो l कितना आएगा, e square है ना, बेस e yes, तो उससे दिक्कत थोड़ी है, log l की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, आप l निकालना तो बेस e को उधर भेज देना, पहले यहाँ से log लेने से फायदा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन था उसमें फॉर्मेट था 0 की पावर 0, इसलिए दोनों तरफ क्या ले ले, log, पहले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ये तो। हाँ वही, x आगे आ जाएगा वेरिएबल, अरे बोलो यार, x log x हो जाएगा, यस सर। अब ये वही क्वेश्चन हो गया, 0 × ∞ का फॉर्म, यस सर, यस सर। तो x को वापस नीचे ले जाकर क्या लिखोगे, 1/x, 1/x, log x को तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले x को नीचे ले जाके 1/x, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। Yes, sir. देखो पहले 0/0 की पावर 0 था, लॉग लेके उसको 0 × ∞ में कन्वर्ट किया, फिर उसको इन्फिनिटी, आप एल हॉस्पिटल लगा देंगे? Yes, sir. जैसे एल हॉस्पिटल लगाओगे कट पिट के एक्स बचेगा और वो जीरो हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. जब पिछले क्वेश्चन में किया था, तो बेसिकली मेरा फाइनली क्या है, लॉग एल इक्वल टू जीरो, तो लॉग एल अगर जीरो है तो मुझे तो एल निकालना था, एल कितना आएगा, ये ई उधर चल जाएगा और ये नंबर पावर में आ जाता है, ई की पावर जीरो कितना होता है, 1, और वैसे पता लॉग की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, 1 पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1। आया समझ में? यस सर, इसको याद भी रखना, रिजल्ट जी एडवांस में ऐसे रिजल्ट काम आ जाते हैं, एडवांस लेवल पे जब क्वेश्चन आएंगे ना, मेंस लेवल पे इतना ज्यादा नहीं, मेंस लेवल पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको,
लेकिन एडवांस में इन छोटे छोटे रिजल्ट को यूज करते हुए अच्छे क्वेश्चन, जैसे छोटे मोटे ये वाले इस टाइप के, जैसे x की पावर x, x अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा तो आंसर किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। बाकी इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो आप, है ना? यस सर। अब सेम टाइप का क्वेश्चन एक और ये, अब इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जीरो की पावर जीरो वाला ये, लॉग लेके सॉल्व करो। मजा आ रहा है सॉल्व करने में कि नहीं? चैप्टर अच्छा है कि नहीं? बहुत बढ़िया चैप्टर है और सबसे ज्यादा रिलाएंगे, मतलब इस पे आप रिलाई कर सकते हो और अपने जेई में स्कोर पक्का कर सकते हो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस है मॉड्यूल की, मैंने पिछली क्लास में बताया था मॉड्यूल मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ट्राई बताओ आंसर कितना है। रिश्ता ही बना रहा है। सही है, आ गया सबको वन। इसको मान लो एल मान लिया, दोनों तरफ लॉग ले लोगे, एक्स आगे आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों? यस सर। यस सर। आप इस वही चीज जीरो इनटू इनफिनिटी इस एक्स को नीचे भेज दोगे? यस सर। एक्स नीचे जाके वन बाय एक्स बन जाएगा, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी में कन्वर्ट हो गया। यस सर। एल हॉस्पिटल लगाओगे, एल हॉस्पिटल ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन है ना, इनटू कॉस एक्स, इनटू कॉस एक्स और 1 बाय एक्स का पता है तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, क्लियर है ना? तो इधर लिख रहा हूं तो ये कॉस बाय साइन को कॉट लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये माइनस वन बाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में ना। यस सर। अब देखो ध्यान से, अब कॉट का तो फॉर्मूला नहीं है, टेन का फॉर्मूला, तो टेन कॉट नीचे जाके टेन हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब देखो यहां पे एक एक्स को अलग कर लो और एक को टेन के साथ दे दो, क्या इसका आंसर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। वन। और ये जीरो इंटू वन कितना हो जाएगा? जीरो। तो लॉग एल की वैल्यू किसके जीरो के बराबर, एल वापस कितना है? वन।
क्लियर हुआ? यस सर। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को, आ रही की समझ में आपको? यस सर। यस सर। ये ट्राई करो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जल्दी से। पहले का टू, दूसरे का थ्री, तीसरे का फोर, चलो अलिया सॉल्व। सर फोर्थ का नहीं पता चल रहा। हाँ ठीक है, फोर्थ को एक काम करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखने का तरीका। हाँ है ना, सही है। यस सर। अब ट्राई करो। से टू, चलो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस में देखो क्या होगा, थ्री से थोड़ा सा छोटा आया ना। यस सर। थ्री से थोड़ा सा छोटा क्या होगा, 2.9999। यस सर। 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, टू। टू। थ्री प्लस में क्या होगा, थ्री 0.00 something, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सही है। यस सर। यस सर। टू प्लस में अगेन देखो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो टू ही होगा, और मॉड्यूलस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो वो भी टू रहेगा, टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर। फोर। अब फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत दे रहा था क्योंकि डेसिमल में कितना आएगा वो पता नहीं मुझे, तो इसको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर एक्स माइनस वन, हाँ तो ये टू माइनस में क्या होगा, टू, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। x तो 2 की तरफ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। 2 प्लस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसको वापस ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, x 2 की तरफ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 पे ये भी 2 होगा, तो 2 माइनस 2 ये भी कितना हो जाएगा, 0। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। चलो इसको ट्राई करो। अच्छा एक चीज रुको, एक ना नोट लिखो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में,
क्या कि जब भी whenever question contains greatest integer function, या fractional part function या modulus function, जब भी आपके question में ये terms इस तरह के special function दिखे तो उनकी तो कोई ना कोई definite value होगी, जैसे यहाँ पे इनकी value आ रही है, तो कभी भी question और limit का question हो तो always try करा करो, try to find LHL and RHL. ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पर या मॉड्यूलस टाइप के फंक्शन आए तो आप क्या करो, कोशिश करा करो कि LHL और RHL निकालो. आ रही बात समझ में? यस सर. लिमिट का क्वेश्चन जब भी आता, लिमिट के क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखे या मॉड्यूलस फंक्शन दिखे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करा करो, पहले LHL RHL निकाल लिया करो. क्लियर है? चलो अब इसको ट्राई, इसको ट्राई करो. Limit does not exist. डायरेक्ट लिमिट को सॉल्व मत करना, क्योंकि पता भी नहीं चल पाएगा ना आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रखोगे. ठीक है, एक्स अगर दो की तरफ अप्रोच करा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है टू हो जाए या वन हो जाए, मुझे पता नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL अलग अलग निकालना ही पड़ेगा. LHL मतलब 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख दोगे, सबसे पहले x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, टू माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 है ना, 1 अपॉन 1 माइनस 3. अब यहाँ पे x को 2 और रख दोगे अगर, तो कितना आ जाएगा ये, सही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो x को 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2 अपॉन माइनस 4, दैट इज 1 बाई 2. ये रहा है सर, आपने माइनस का गम के लिए है तो सॉरी माइनस, हाँ एक सेकंड ना, गलती से ऊपर माइनस वन था नीचे माइनस, ये 1 आएगा है ना, ये कितना आ जाएगा, यस माइनस का 2, माइनस 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 1 क्लियर है, यस सर. और सेम RHL निकाल लोगे,
ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगेन टू होगी, है ना, टू प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, टू होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब एक्स को टू रख देना, तो एक्स को टू रखने पे माइनस फोर अपॉन माइनस वन, एक्स को टू रखोगे तो टू माइनस टू माइनस फोर अपॉन माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस फोर अपॉन माइनस टू, दैट इज सही है, टू आ रहा है, ठीक है सर। फोर थ्री है, मतलब फोर की जगह, अच्छा मैं वापिस, मेरा कंसंट्रेशन ही बिगड़ रहा है, ये कितना हो जाएगा वन, अब सही है, यस सर, ये आ जाएगा फोर। एल एच एल आ रहे, चल दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, यस सर, LHL is not equal to RHS, तो आंसर क्या है का लिमिट, does not exist, clear हो गया? Yes sir. Okay. समझ में आया आज का लेक्चर की नहीं? Yes sir. Yes sir. अब मैं आपको ना कुछ PYQ के असाइनमेंट दूंगा प्रैक्टिस के लिए, अभी ग्रुप में इसके साथ ही डाल दूंगा नोट्स के साथ ही, तो उनको भी एक बार आप ट्राई कर लेना संडे, है ना, बीच में, और ओके मॉड्यूल के बचे हुए क्वेश्चन को कर लेना कोशिश। नेक्स्ट वीक हम एक पहले मॉड्यूल डिस्कस करके, लगभग ये चैप्टर फिनिश हो गया, बस कुछ छोटी मोटी चीजें एक दो बची है वो हो जाएगी, लेकिन आप मॉड्यूल आप पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉड्यूल का डिस्कशन करके नेक्स्ट वीक हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, क्लियर है आपको, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय सर, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।